जय श्री राम। आज हम एक ऐसी मूवी के ट्रेलर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका आपने ना अभी ट्रेलर देखा होगा, ना ही इस फिल्म का नाम सुना होगा और ना ही इस फिल्म की सोशल मीडिया पर कोई चर्चा सुनी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 695 मूवी के ट्रेलर की। इस मूवी का नाम 695 क्यों रखा ये हम आपको ट्रेलर देखने के बाद में बताएंगे। पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद में इस ट्रेलर की चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ट्रेलर में क्या खास है। बाबरी मस्जिद का निर्माण, जहाँ मस्जिद बनाई गई थी वहाँ जमीन के नीचे जो ढांचा मिला था वो इस्लामिक नहीं, इस्लामिक नहीं। मस्जिद अगर औरंगजेब ने बनवाई थी तो उसका नाम बाबरी क्यों था? सब हमारी मस्जिद गिराना चाहते हैं। इस मुल्क ने ये साबित कर दिया है कि वो हम कम तादादी, हम छोटी जमात के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने न कभी आक्रमण किया, न ही अतिक्रमण किया, न किसी की धरती छीनी, न किसी की सभ्यता का संहार किया। हमारा धर्म सनातन है। हमने किसी की जमीन नहीं, खुद की जमीन बचा भी तो नहीं पाए। हमने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया, खुद को गुलाम बनने से रोके भी नहीं पाए। जब मंदिर तोड़ा गया था तो हिंदू चुप था। किसी घटना दुर्घटना पर मौन दो मिनट का हो सकता है। राम मंदिर हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि वो श्री राम की जन्म। अगर हमसे हमारी मस्जिद छीनी गई तो उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक। साहब, हम कोई जुहाली करने वाले जानवर नहीं जैसा तमाम कर काटते। अपने ही अधिकारों के हिंदू हर घर की ठोकरी खा रहा। भारत सिर्फ कुछ नहीं, संपूर्ण भारत हिंदू है। जय श्री राम। धरती को कोई क्षति नहीं पहुंचती। पांव पटकने से पायल नहीं टूटती, तांडव करना पड़ता है। हिंदुओं को हिंदू बनाए रखने वाला कोई नहीं था सिवाय उनकी अपनी आस्था। जय श्री राम। जय श्री राम। 9 और 5 ये तारीखों के अंक श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए पवित्र अंक बने। इसे लक्ष्य इसी जीवन में अर्जित करें। जिस दिन मंदिर बनेगा तभी उस मंदिर में पूजन के लिए जाए। जय श्री राम। 695 द नेम ऑफ मूवी, डायरेक्टेड बाय योगेश रजनीश बैरी। गली मोहल्ला एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पूरी फिल्म में सिर्फ जय श्री राम ही होने वाला है। इस मूवी को सिनेमा हॉल में रिलीज होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी देखने जाएगा सिनेमा हॉल में सिर्फ एक ही नारा होगा, जय श्री राम, जय श्री राम। फिल्म पूरी तरह से हिंदुत्व पर आधारित है और इसमें किसी की भी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है, क्योंकि ये फिल्म और इंस्पायर्ड बाई ट्रू इंसिडेंट ऑफ हिस्ट्री है। बाकी सत्य घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है और इस फिल्म के अंदर आपको रामायण धारावाहिक के जो असली पात्र हैं श्रीमान अरुण गोविल जी, जिन्होंने श्री राम का रोल प्ले किया था रामायण सीरियल में, वही इस मूवी के अंदर मुख्य रोल की भूमिका निभा रहे हैं। साधु के वेश में जो आपने देखा था, ऋषि के वेश में, तो वही अरुण गोविल जी है। तो फिल्म का नाम 695 क्यों है अब मैं ये आपको बता देता हूं। तो 695 का मतलब है 6, यानी कि 6 दिसंबर, जिस दिन बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया गया था कार सेवकों द्वारा, हिंदुओं के द्वारा। 9 नवंबर, यानी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया था कि मस्जिद को हटा करके वहां पर मंदिर बनाया जाएगा। और 5 अगस्त, यानी कि जिस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को राम मंदिर की शिलान्यास किया था, फाउंडेशन हुआ था उनका, श्री गणेश हुआ था मंदिर का,
नींव रखी गई थी, उनकी पहली ईंट रखी गई थी। तो इसलिए फिल्म का नाम है 695, 6 दिसंबर, 9 नवंबर, 5 अगस्त, इन घटनाओं के आधार पर यह फिल्म बनी है। और इसमें हिंदुओं के 500 साल के संघर्ष को दिखाया है कि हिंदू होना इतना आसान नहीं है। हिंदू होने के लिए अपनी आस्था को बनाए रखना बहुत जरूरी है, आस्था से ही हिंदू है। अरुण गोविल जी ने जो इस मूवी के अंदर, इस ट्रेलर के अंदर एक डायलॉग दिया था कि हिंदुओं ने कभी भी किसी भी दूसरे लोगों के धर्म का ना तो अपमान किया है, ना ही कभी किसी पर अतिक्रमण किया है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है हिंदुत्व के बारे में, और खासकर इस फिल्म को हिंदू लोग ही सिनेमा हॉल में देखने जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम भाइयों को इस फिल्म से कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो इस फिल्म के बारे में आपको बता देते हैं कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ में ज्यादातर शूट हुई है, जहां पर श्री राम जी की ननिहाल यानी कि मामा है, तो वहां इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हुई है। और सबसे बड़ी बात कि जहां जहां पर जो जो घटनाएं हुई है, उन्हीं घटनाओं के स्थानों पर इस फिल्म की शूटिंग की गई है। फिल्म वास्तव में काफी अच्छी है। हिंदुओं को, जिन लोगों को नहीं पता था अपने हिस्ट्री के बारे में, उनको इस फिल्म से सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। यानी कि भारत में लोगों ने अपने मंदिर के लिए कितने वर्ष प्रतीक्षा की है, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, ये सब इस फिल्म के अंदर आपको एक नटशेल, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से 500 सालों के इतिहास को दर्शाएगी और दिखाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 300 से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था, जिन्हें अपना जीवन सेक्रीफाइस करना पड़ा अपने राम मंदिर के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपने धर्म के लिए। फिल्म के अंदर कई सारे अच्छे डायलॉग्स हैं, जैसे एक डायलॉग एक ऋषि इसमें बोलते हैं, साधु के बोलता है कि नाचने से घुंघरू नहीं टूटते हैं, उसके लिए तांडव करना पड़ता है। तो बात तो सही है, तांडव करने से ही घुंघरू टूटेगा। और जब आदमी तांडव करता है तो फिर आप समझते हैं कि क्या होता है, भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रलय आ जाती है। तो बात तो बिल्कुल एकदम ठीक बोली है। और हिंदुओं की आस्था ने हिंदुत्व को बनाए रखा है। हिंदुओं ने कभी किसी दूसरे धर्म पर ना अत्याचार किया है, ना अतिक्रमण किया है, ना उनका विरोध किया है। ये सारी बिल्कुल सही बातें इस ट्रेलर के अंदर सीखने को मिली है। फिल्म बहुत अच्छी जाएगी। 19 जनवरी यानी कि आज इस मूवी को रिलीज किया जा रहा है, और देश में 800 स्क्रीन पर इस फिल्म को टेलीकास्ट किया जाएगा। 800 स्क्रीन पर यह फिल्म चलेगी। फिल्म हिंदी भाषा में बनी है, किसी दूसरी भाषा में इसको नहीं बनाया गया है। और इस फिल्म के अंदर कुछ आपको इस लड़ाई से जुड़े हुए कुछ लोगों को भी दिखाया जाएगा, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको नरेंद्र मोदी जी की भी झलक इसमें देखने को मिलेगी। रियल नहीं, जिनको काल्पनिक तौर पर यानी कि एक्टर्स के तौर पर बनाया गया, उनका गेटअप तैयार किया गया है। और आपको देश के 10वें प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो फिल्म काफी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें हिंदुत्व को दर्शाया गया है कि कैसे हिंदुओं ने अत्याचार सहन किया है, कितने लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने सेक्रीफाइस किया है, अपने जीवन का बलिदान दिया है, ये सब इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ट्रेलर आपको अच्छा लगा होगा। अगले ट्रेलर के साथ में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।